कई बार ऐसे मुद्दे भी आए हैं जिस मुद्दे का निराकरण मिथिला मजदूर के द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि दरभंगा में एक नया मुद्दा उभर कर आया है खनन विभाग के द्वारा इस मुद्दे पर कि बालू और गिट्टी के जो विक्रेता है उन पर कई तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं या अंकुश अगर कोषाध्यक्ष नितेश कुमार 11 आदमी की कार्यकारिणी समिति की बैठक मतलब समिति बनी है जो पहला नाम है गणेश प्रसाद जी मोहम्मद दिलीप चौधरी लक्ष्मी साहब जी सिद्धारा राजू शाह मुफ्ती सुबोध कुमार राजकुमार उस समय से नहीं क्या अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा जिला बालू गिट्टी के विक्रेता संघ की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार के उस निर्णय के खिलाफ यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर करने की बात की गई है, लेकिन इससे पहले ये लोग अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मिलेंगे। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष हैं सरेंद्र सिंह सर। हम लोग कहीं से न सरकार के खिलाफ हैं न हम लोग का कोई नेता कहता है, ये हम लोग का एक रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग न खनन करते हैं न हम लोग को खनन विभाग से इस चीज की जरूरत है। हम लोग छोटा छोटा व्यापारी हैं जो अपने रोजी रोटी पेट पालने के लिए एक जट बालू खरीदते हैं अपने दुकान पर गिराते हैं और छोटे छोटे वाहन से उसको बेचते हैं। फिर सर हम कहाँ से इस दायरे में आते हैं? ठीक है सर, अगर कोई ऐसा प्रावधान आप लागू करते हैं तो कम से कम हम लोगों के हित को देखते हुए हम लोग को सुना जाए और हम लोग को जो निरर्थक परेशान किया जा रहा है हम लोग को परेशान नहीं किया जाए, हम लोग को सही रास्ता दिखलाया जाए, हम लोग उस रास्ता पर चलने के लिए तैयार हैं। रहा लाइसेंस लेने की बात, आज तक हम लोगों को कभी इस मुद्दा के बारे में न बताया गया न हम लोग को इसका लाइसेंस लेने की जरूरत महसूस। आज एकाएक कोई गाड़ी लगती है कहती है हमारे गाड़ी पर बैठो। हम लोग एक सम्मानित व्यापार करते हैं और हम लोग सम्मान के साथ सब कुछ जीना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी बना रहे हम लोग इसके चलते समाहर्ता महोदय से मिलना चाहते हैं जो हम लोग को कम से कम इस लाइसेंस से बड़ी। आज आज जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कमेटी बनी है इस जिला के जितने भी डीलर बंधु हैं या जितने